भाई क्राउड नेक्स्ट लेवल है, धक्के लग रहे हैं यहाँ पे। यार देखो दिवाली में घर सजाने के लिए लाइट वगैरह चाहिए ना, तो यार देखो कितने प्यारे पर्व भाई ये है सदर बाजार के पास होता रहा। तो भाई लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये देखो सामान मिल रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए तो कोई रखने वाली है ही नहीं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस देखो आज मैं आया हूँ ना सदर बाजार मार्केट में, सदर बाजार मार्केट आया हूँ संडे के दिन। तो संडे के दिन मेरे हिसाब से मत आना भाई, बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड, पैर रखने तक की जगह नहीं है बाजार में। क्राउड देखो कितना है, देख रहे हो संडे के दिन, और वैसे भी दिवाली आने वाली है तो दिवाली की वजह से बहुत ज्यादा क्राउड है, जगह तो बिल्कुल भी नहीं भाई पैर रखने की। और आज मैं पहन के आया हूँ अपने व्हाइट शूज, जो कि ये भी गंदी हो जाएंगे। भीड़ में बताओ यहाँ पे लड़की देख के आज के चली गई भाई तुम्हें। बाकी देखो दिवाली के लिए यहाँ पे फूल मिल जाएंगे, कितने रुपए के भैया? 350 रुपए के, 350। देख ये देखो ये वाली दुकान है, इसके पास इसके नीचे आके ले जाना। ये देखो ये लिखा हुआ है, अंकल ने बता दिया अपना एड्रेस, प्रमोशन खुद ही कर दिया। दिवाली के लिए यार काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन 350 महंगा है। मैं तो यार सदर बाजार इसलिए आया था क्योंकि मेरे को बम पटाखे चाहिए थे और कुछ दिवाली के सामान भी चाहिए थे, लाइट वगैरह भी चाहिए थी। तो देखते हैं अगर सस्ता मिलेगा तो फोर श्योर ले लेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। कि मोस्टली लोग तो यार यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग ही करने आए, देख रहे हो दिवाली के घर दिवाली के लिए घर सजाने के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो आके ले सकते हो। यहाँ पे बिछाने के लिए जो होता है ना फरस फरस पे किचन विचन में बिछाने के लिए मिलते हैं 100 रुपये के। 100 रुपये कितने भैया? 100 का एक मिलता है ये। बाकी देखो बच्चों के लिए ये चीज़ गनमन, तो गन भी मिल जाएंगे भाई यहाँ पे, देखो दिवाली पे सजाने के लिए मिल जाएंगे। 100 रुपये का छः है, कितने की लगा सकते हैं? दरवाजे पे जो सजाते हैं ना दिवाली के टाइम पे वो वाला मिल रहा है यहाँ। कितने का भैया? 40 रुपये का एक, 40 रुपये का एक मिल रहा है यहाँ। बाकी तुम अदर मार्केट से लोकल मार्केट से लोगे तो महंगे मिलते हैं भाई, 150 रुपये के एक मिलते हैं अदर मार्केट से। ये वाले कितना है? 150 के 10 पीस में ये मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे मिल जाएंगे शुभ दीपावली वाला, ये दे रहे हैं भैया 100 रुपये का चार्ज ये वाला, बहुत ही प्यारा लग रहा भाई, बहुत ही बढ़िया अच्छे प्राइस में मिल रहा है यहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे छोटे छोटे शुभ लाभ वाले मिल जाएंगे, देख रहे हो ये। आंटी जी कितने का ये? 20 रुपये की पैकेट है ये, कुछ भी ले सकते हो यार यहाँ पे सारे। ये वाले 20 रुपीज़ भाई, छोटे छोटे शुभ लाभ 20 रुपीज़ के मिल जाएंगे, काफ़ी बेटर है यार, आके ले सकते हो। बाकी तो लोकल से लोग तो बहुत महंगे मिलते हैं। आने से पहले भाई मास्क वास्क देर कर लेना, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी ये तो। बाकी देखो दिए वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारे प्यारे, आ जाओ आगे चलते हैं। सही लग रहे हैं ये वाला, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। कितने का है ये वाला? हाँ कितने का है वाला? 10 पीस है इसमें। सही लग रहा है यार। देखो दिवाली में घर सजाने के लिए लाइट वगैरह चाहिए ना, तो यार देखो कितने प्यारे पर भाई ये है सदर बाजार की मार्केट, देख रहे हो ये अंदर पड़ रही है, यहाँ पर मिल जाएगी बड़ी लाइट की। और लोकल मार्केट से तो काफ़ी अच्छी सस्ते इसमें मिल जाती है प्राइस के। ये बार चलो देखते हैं और पूछते हैं प्राइस का। ये देखो फ्लावर वाली लाइट्स, ये देखो फ्लावर वाली लाइट्स कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं, नॉर्मल लाइट जो होती है। चलो एक बार चल के प्राइस पूछते हैं, यहाँ तो वीडियो नहीं बना तो कुछ कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे वीडियो भी नहीं बना दिया जाता। बाकी देखो ये पतली सी गली है, इस पतली गली में अभी घूम रहे और देख रहे सामान है, यहाँ पर मिलते फूल फ्लावर कुछ इस तरीके के, देख रहे हो। सो है तो इस गली में ही भीड़ वैसे बहुत, लाइट्स मिल रही है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं यार। मतलब दिवाली आ रही जैसे जैसे पास, और जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है वैसे वैसे सामान मिलते हैं बढ़िया बढ़िया यहाँ पे, तो आगे ले सकते हो यार यहाँ से तो काफ़ी अच्छा है यार। यहाँ पे घर पे सजाने के लिए फ्लावर्स वाले ये मिल रहे हैं 400, इसके थोड़े प्राइस थोड़ा हाई होंगे बट लुकिंग काफ़ी अच्छी है यार, मतलब घर पे लगाने पे काफ़ी अच्छा लगेगा। और भीड़ इतनी है, लोग हमें देख रहे हैं कि क्या बना रहे हैं भाई आखिरकार ये ऐसा। सो है तो सही, जल्दी आ जा भाई, भीड़ में ना हालत और ख़राब हो रही है यार, खांसी वासी है भाई, बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रहा है भीड़ में, क्योंकि हम वीकेंड के दिन बहुत लग रही है। तो हम वीकेंड के दिन आ गए ना, संडे वाले दिन, संडे के दिन सबकी छुट्टी है, तब आ गए अपना दिवाली शॉपिंग करने के लिए हम। वैसे देखो सदर मार्केट की ना बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी गलियाँ हैं जहाँ पे हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, मुझे नहीं पता मैं कौन सी गली में हूँ। तो अगर आप आओगे यहाँ पे ये सारे सामान लेने के लिए
तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, क्योंकि क्योंकि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं पता कि कौन नंबर भी होता ना, एक नंबर भी होता ना मार्केट नंबर, वो भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे ना हर चीज़ पे अलग अलग वो है, क्या है डिपार्टमेंट, जैसे तेरे को रक्षाबंधन सामान चाहिए वो अलग डिपार्टमेंट, वो अलग गली है। अच्छा, उसकी हर चीज़ की अलग अलग, सब चीज़ मतलब अलग अलग है। अगर तो कुछ और कुछ लेने जाएगा सामान कॉस्मेटिक का, वो उसका अलग है। अच्छा, हर चीज़ का अलग रहता है। तो गाइस ये चीज़ें समझ गए ना भाई, मेरे साथ एक्सपीरियंस विकास भाई को है, क्योंकि ये आते रहते हैं यहाँ पे। इससे पहले हम जिस शॉप पे गए वहाँ पे भैया ने तो ये बोल के भगा दिया कि भाई अभी वैसे सर में दर्द है, वीडियो मत बना। तो भाई भाई यहाँ पर बहुत लोग मना कर देते हैं भाई, तो मना कर देते हैं, पूछना पड़ता है लोगों से भाई वीडियो बनाने में। कई जगह हम पूछते भी नहीं, छुपके से बना लेते हैं। चलो फिर अभी चलते आगे की तरफ, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये अपोजिट साइड निकल गए। और यहाँ तो सिर्फ फूल फूल के दिख रहे हैं, ये देखना यहाँ तो सिर्फ फूल फूल के दिख रहे हैं भाई, घर पे सजाने वाले फूल के लिए। चलो एक बार प्राइस पूछते कितने का है, फिर आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ एक बार। यार देखो, नो पॉल्यूशन करने के लिए यहाँ पे निकल गई माचिस वाली गन, इससे देखो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं। और काफी सही है यार, काफी बढ़िया है ये गन वाली। तो यार एक रुपए की माचिस में पूरे रात भाई यही लेंगे, यही चल रहा है बस बस, सही बात है भाई। सुनो, अगर तुम आ रहे हो सदर बाजार, कपड़े भाई खराबी पहन के आना, कोई फायदा नहीं है तुम्हारा अच्छे कपड़े पहन के आने का। मैं वाइट शर्ट पहन के आने की सोचा था और वाइट जूते तो पहन लिए, उसकी हालत बिल्कुल हो चुकी है ख़राब। तो सोच समझ के आना, अभी से मैंने बता दिया वीडियो में। देखो बैग मिल जाएंगे इस टाइप के, कितने का अंकल जी, कितने का है? 100 रुपये का। सो गाइस देखो, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपनी सावधानी पाना, क्योंकि यहाँ पे भाई जेब खतरा ही बहुत है, जेब खतरों से सावधान रहना, क्योंकि लास्ट टाइम हमारा एक दोस्त आया था। मैं बोलना चाहूंगा, टेंपो से दूर रहना। किससे? टेंपो से। ये बात तो सही है यार, भाई भी वही बोले भाई, तो भाई यहाँ पे फ्रॉड भी करते हैं बहुत ज्यादा भाई, धक्का और मार रहे हैं भाई, यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही, धक्का मार रहे हैं आगे पीछे आगे पीछे, क्या करें भाई हम। देखो भगदड़ शुरू हो गई यहाँ पे, पता नहीं किस चीज़ का भगदड़ शुरू हो गई, धक्का मुक्की सब शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की, कुछ आ रहा है क्या? धक्का मुक्का भाई, बहुत धक्की मुक्की हो रही है, क्या हो रहा है साहब, क्या हो गया क्या हो गया? वही सारे सामान पैक करके भाग रहे, क्या हो गया? अबे कमेटी आ गई, यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या भाई? यहाँ से कमेटी वाले आकर भाई सारे कैसे लग रहे हैं, यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या? हाँ, यहाँ पे भी लगा नहीं देते किसी को, रोड है ना यार। वही तो यार, तभी तो मैं कह रहा हूँ, जब हम बाइक चलाते तो रोड पे ऐसा लगा रखा है, ये पूरा रोड ही तो है, रोड ही है, लगा लेते बंदे। हाँ, चौथा आ रहा, तो भाई लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये देखो सामान मिल रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए तो कोई रखने वाली है ही नहीं, पता नहीं कब आएगी। अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर की साइड, जहाँ से हमने एंट्री करा था उधर साइड आ चुके हैं, क्योंकि बाहर की साइड मैंने उधर साइड देखा था बम पटाखों की शॉप, क्योंकि खुले मिल रही थी। तो लेट्स सी वहाँ पे मिलते कि नहीं मिलते, चलो फिर जल्दी चलते हैं। तो गाइस देखो, एक शॉप तो दिखे मुझे जहाँ पे मिल रहा है बम पटाखे, देखो ये वाले, लेकिन इनके पास छोटे मोटे बस हैं, बस बम वो जो होते नहीं, वो बीड़ी बम होते हैं उस टाइप के बम हैं, छोटे छोटे बच्चों के बम हैं, हाँ लहसुन बम वगैरह, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बस। बाकी ये लोग मुझे बता रहे हैं कि आगे उधर साइड है, तो उधर साइड को चल के देखते हैं कि क्या मिल रहा है सही में कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं तो लेने ही आया हूँ भाई सही में यार। यार काफ़ी ढूंढने के बाद, यार काफ़ी घूमने के बाद हमें फाइनली मिल गया जो हम लेने आए थे, तो मैं अभी तो यहाँ पे बता नहीं सकता, घर चलेंगे उसके बाद ही मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने ना मैंने एक ही लिया है 250 रुपये का, जो मुझे पड़ा है, और विकास भाई ने भी लिया है जो मुर्गा था, और विकास भाई ने लिया है वो ग्रीन वाला, तो उनको पड़ेगा 150 रुपये का, मुझे पड़ेगा 250 रुपये का, तो मैं घर पे दिखाऊंगा आपको भी कैसा लिया मैंने। है ओरिजिनल वैसे, है ओरिजिनल वैसे, छुपक छुपक छुपा छुपा के दे रहे हैं ना ये लोग, इसीलिए भाई ऐसे बैन है ना। हाँ, बैन कर दिया ना यार दिल्ली में, बैन कर दिया, ये तो गलत बात है यार। तो देखूंगा मैं, तो हरियाणा भी जा सकता हूँ लेने के लिए, तो देखेंगे अगर यूपी हरियाणा मिल जाते हैं, खुले मिलते हैं वहाँ पे, तो दिल्ली में तो बैन है, तो वहाँ तो खुले में मिलते हैं, तो वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं वापस अपने पार्किंग की साइड, घर निकलते हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे घर की तरफ। तो ये थी सदर बाजार की मार्केट, यार काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यार, मेरी तो हालत ख़राब हो गई, गले में इन्फेक्शन हो गया मुझे तो लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा देख लो कितनी भीड़ है, पॉल्यूशन भी हो रखा भाई भीड़ के कारण, धूल वूल सब उड़ रहे हैं। तो मैं तो कैसे भी करके अब मार्केट घूम लिया मैंने,
और अब निकल रहे हैं सीधा अपने पार्किंग से, गाड़ी लेंगे फिर निकले कहीं और, देखते कहीं और भी जाए तो। और देखो मैं तुम्हें दिखा दूँगी कौन कौन सा हमने बम लिए थे, देखो ये बैग के अंदर दिखा रहे हैं, यहाँ पे खोल नहीं सकते। ये आलू बम है, सही है वो, सही है यार आलू बम। ये देखो ये रे, और ये बिजली बम की एरी पैकेज, ये मैंने ली थी 250 की। हाँ ये ली थी 250 की, लिए 150 की, सही है यार, सही है, काफ़ी सही है। फूट जाए बस, फूट तो जाएंगे, फूट जाएंगे बस, फूट जाए, पुराना ना दिया उसने। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।